नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज है संडे, तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाने के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो बनाया जाए। और मेरा कोरोना पूरी तरह से ठीक हो चुका है और हम निकले हैं आज खेतों की तरफ। तो जैसा आप देख रहे हैं, बरसात शुरू हो चुकी है। हालांकि पूरी तरह से बरसात शुरू नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी बारिश हो रही है इधर। और ये सब आप जो सामने देख रहे हैं, सब धान के खेत हैं और धान के खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है। कुछ दिनों में ही खेती शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये कुंड जैसा, ये है डाड़ी। हम लोग की भाषा में इसको डाड़ी बोलते हैं और लोग इसमें नहाने आते हैं। अभी तो कोई नहीं है, इसका पानी रात को पूरा क्लीन हो जाता है। और दोस्तों, आज मेरे साथ है ओम। ओम हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है, उसको पकड़ते हैं। तो दोस्तों, मौसम आज देखिए, बादल पूरे चारों तरफ। और आजकल मौसम ऐसा करता है कि सवेरे 12 बजे तक पूरा धूप, उसके बाद धीरे धीरे बारिश वाला मौसम आ जाता है, बारिश होने लगती है शाम तक। तो ऐसा है इधर का नज़ारा। देखिए, आधे खेत में हल लग चुके हैं, कुछ दिनों में सब में हल लग जाएगा और धान के बिचड़े तैयार करने का। इसमें देखिए, ये खाद डाला हुआ है खेत में, और जब खेती करने की बारी आएगी तो इसको फैला दिया जाएगा पूरे खेत में। तो दोस्तों देखिए, ये छोटा सा भील आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक सांप रहता है, अभी हम लोग को देखिए वो अंदर घुस गया। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों, आज हम लोग ऐसे ही, संडे था तो निकल गए घूमने के लिए। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये आम का पूरा बगीचा, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। और यहीं हमको जाना है आज। आ गई सड़क, तो इस सड़क के लेफ्ट साइड जाएंगे तो गांव जाता है, और इस सड़क राइट साइड जाएंगे तो ये बाईपास को मिलाता है, गुमला बाईपास। हमारे गांव में कुछ सिस्टम ऐसा है कि जब तक खेती शुरू नहीं होती तब तक बैल को खुला छोड़ देते हैं, और जब खेती शुरू हो जाती है तो पूरे गांव में अकवारी बोलते हैं। अकवारी मतलब कि आवाज़ दे देकर नोटिस दे दिया जाता है कि अब बैलों को बांधने का समय आ गया है, क्योंकि खेती शुरू होने वाली है। तो ऐसा यहाँ सिस्टम है। देखिए, चारों तरफ बैल चल रहे हैं खुले आम। अटमैला सा पानी बारिश का, खेत जोतने के बाद ऐसा हो जाता है। हम लोग बचपन में इसको दूध चाय बोलते थे, क्योंकि ये दूध चाय जैसा कलर इसका होता है। दोस्तों, आ गए हम लोग आम के बगीचे में, और ये आम के बगीचे का एंट्री पॉइंट समझ लीजिए। इसके अंदर जाएंगे तो और ढेर सारे पेड़, जामुन के, आम के, इमली के, और दूसरे। देखिए, एक आम गिरा। ये रहा आम जो अभी गिरा है, फट गया आम पूरा। ये क्या होता है, डाल से टकराते टकराते गिरता है और ज़मीन में आके पूरा फट जाता है। इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि आम का टेस्ट कैसा है। ओम चल गया आगे और हम भी चलते हैं आगे। इस पेड़ को हम लोग बजर मारवा पेड़ बोलते हैं। बजर मतलब कि जो लाइटनिंग होती है वो, तो इसमें कभी लाइटनिंग गिरी होगी तो इस पेड़ का नाम बजर मारवा हो गया। और इसमें भी ढेर सारे फल पके हुए हैं, कैमरा से तो नहीं दिखेगा, काफ़ी ऊंचे पेड़ हैं। देखिए, कैच कर। अभी के समय में ही घूमने में जो मज़ा आता है। और यहाँ के जो खेत हैं वो सीढ़ीदार होते हैं, क्योंकि ये पठारी इलाका है, तो खेत एक के नीचे एक, एक के नीचे एक
ऐसे होते हैं। और जो खेत धान के होते हैं उनको बोलते हैं दोन, और जो खेत ऊपर वाले होते हैं, जो सूखे वाले खेत होते हैं, उनको बोलते हैं टाड़। तो धान के खेत मतलब कि जो दोन होता है वो उसमें केवल खरीफ फसल होती है। कहीं कहीं पर जिसके पास सिंचाई सुविधा होती है वो गर्मियों में भी खेती करता है, लेकिन आमतौर पर जो दोन होते हैं उनमें केवल धान उगाया जाता है। देखिए चारों तरफ दोस्तों, ये रहा जामुन का पेड़, जिस पेड़ की हम बात कर रहे थे, और फल तो लगे हैं लेकिन छोटे छोटे। देखते हैं हम लोग चढ़ के इस पे बनेगा कि नहीं। और देखिए पानी के कारण पूरी जड़ इसकी निकल आई है। अगर ज़्यादा हवा आएगा तो ये उधर गिर जाएगा, ऐसा इस पेड़ की स्थिति है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं अपने साथ घर से लाया हूँ। ये रही वो चीज़, इसे हम लोकल भाषा में बोलते हैं गुलहर, और वैसे तो ये गुलेल है, तो उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, बिगड़ा हुआ बना हुआ जो भी है। और इसके साथ ये है पत्थर की गोली, मतलब कि जो गिट्टी होता है वो छोटा छोटा पत्थर, तो इसे हम इसमें यूज करेंगे और आम गिराएंगे, जामुन गिराएंगे। और भी हम लोग आए हैं इसके साथ, हमारे साथ पास है छाता, और क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है। क्या खुशबू है इस आम की, काफ़ी मीठा आम होगा लग रहा है, खाने के बाद पता चलेगा। हाँ तीन आम है ना, उधर से मारो, उधर से आगे जाके, उधर से खुला जगह मिलेगा। कहाँ पर? देखिए दोस्तों मेरा निशाना, एक आम एक गुलेल, और ये पीला सा आम देखिए, लेकिन फट गया, कोई बात नहीं, इसको धो के खा लेंगे फिर निशाना लगा के। दोस्तों इस गुलेल का दिक्कत यह है कि ये बार बार खुल जाता है और इसको हमको बार बार बांधना पड़ता है। ये रहा छोटा रबड़, और इसको हम बांधेंगे ऐसे, देखिए ये इसको ऐसे करके इसमें। ये बन गया फिर से गुलेल, अब हम मार के दिखाएगा। लगा? नहीं लगा, सीधे सीधे मारेगा तो नहीं होगा, तिरछा मारो तब गिरेगा। बच गया। वाह क्या आम है ये, पीले पीले आम, मजा आ जाएगा खाने में, मीठा आम है।
एक साइड लेकिन काला है। छोटी टुकड़े टुकड़ा हो गया, नहीं सका। लो मारो, अभी देखते हैं तेरा निशाना गिरता है कि नहीं। पत्ता गिर गया, आम नहीं गिरा। नहीं है इस पर, यहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, उधर से बादल चढ़ रहा है और गरजना चालू हो चुका है, इसका मतलब उधर बारिश हो रही है और अभी बारिश लगता है आ ही जाएगी। तो अभी हम लोग चलते हैं घर की तरफ। और घर की तरफ जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यह है पुलिया, यहाँ पर दिख रहा होगा। क्या होता था कि बचपन में हम लोग आते थे आम खाने और ऐसे ही बारिश, ऐसा ही मौसम होता था और हम लोग जब बारिश होती थी तो बचने के लिए इसी के अंदर घुस जाते थे। और क्या होता था, उधर से बारिश का पानी आता था और जितने सारे आम गिरे हुए होते थे सबको बहा के इसी नाली से उस साइड पार करता था। तो हम लोग अंदर होते थे और सबको चुन चुन के जमा कर लेते थे। तो वो बचपन की यादें ताज़ा हो गई आज, काफ़ी दिनों के बाद मैं इधर आया। तो दोस्तों अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है और अभी भीगना उतना अच्छा भी नहीं है। और बारिश होती है तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो बिजली चमकती है और लाइटनिंग होती है ना, तो उस वो ज़्यादा ख़तरनाक बात है। इसीलिए अभी हम लोग चलते हैं घर की तरफ। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये रहा मैंगो जो हम लोग लेते जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।